तो भाई स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पीयूष टेक में। गाइस मार्केट में बहुत तरीके की स्मार्ट वॉच आ रही है, सिंपल वाली भी आ रही है, कॉलिंग वाली भी आ रही है, स्पोर्ट्स वाली भी आ रही है। आज मैं आपको पीट्रॉन की कॉलिंग स्मार्ट वॉच से मिलाने जा रहा हूँ। तो गाइस ले चलता हूँ मैं आपको पीट्रॉन X10 की तरफ। करते हैं पीट्रॉन X10 की अनबॉक्सिंग। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसमें निकली हमारी स्मार्ट वॉच। और ये हमारे इसमें इस टाइप का चार्जर और साथ में उसमें जुड़ी हुई है USB केबल और एक हमारा आता है साथ में इसका यूज़र मैनुअल। और इसमें एक साइड वारंटी रजिस्टर करने के लिए स्कैन QR कोड दिया हुआ है, यहाँ से हम वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरी तरफ इसके बारे में पढ़ सकते हैं जैसे कुछ भी जानकारी लेनी है। तो इस पर जैसे लिखा हुआ है रिमूव द प्रोटेक्टेड फिल्म ऑन द सेंसर एट द बैक बिफोर यूज़। तो बैक पे इसके पॉलिथीन वगैरह दी हुई है, इसे हम सबसे पहले रिमूव कर लेंगे सही से यूज़ करने के लिए। तो गाइस कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमारे बैक से ये। अब ऊपर से भी इसका ये फिल्म हटा लेते हैं। तो गाइस करते हैं इसे पावर ऑन। कुछ इस तरह से स्क्रीन इसकी दिखाई देगी, मेन स्क्रीन, और जिसमें टाइमिंग स्टेप्स और इसमें साइड में इसके वॉच फेसेस दिए हुए हैं। इसे ऐसे करके चेंज भी कर सकते हैं, स्वाइप राइट करके चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। और सबसे बड़ी बात इसकी मेरे को लगा, इसका ये सॉफ्ट सिलिकॉन केस है, ये रबड़ बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और गाइस एक बात और मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारी ये नई पीस आई तो हमने इसे ओपन किया तो इसमें चार्जिंग नहीं आई। अगर आप लोगों की चार्जिंग आए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना। मार्केट में जितनी भी वैसे कॉलिंग स्मार्ट वॉच आती है कम से कम 2,000 से 3,000 तक की आती है, पर ये 1,500 रुपये की लॉन्चिंग के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी दी है पीट्रॉन ने। गाइस अगर आपको ये परचेज करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप मुझसे डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, जो भी ऑफर होगा मैं उसमें दूंगा आपको। इसमें 1.7 इंच की टच डिस्प्ले दी हुई है, साथ ही हमें 150+ वॉच फेसेस दिए हुए हैं और ब्राइट स्क्रीन इसमें आती है, हार्ट रेट मॉनिटर आता है और SpO2 ऑक्सीजन लेवल के लिए होता है वो आता है इसमें। स्मार्ट मोड है, बहुत सारे एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं और स्मार्ट नोटिफिकेशन दिए हुए हैं इसमें विद वाइब्रेशन फीचर। साथ ही इसमें IP68 की डस्ट और वाटरप्रूफ डिस्प्ले दी हुई है। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस बॉक्स पे स्कैन QR कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन कर लेंगे और उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे जो आपको दिखाई देगी। गाइस कुछ इस तरह से आपको ऐप शो होगी, पीट्रॉन फिट प्लस, सबसे लास्ट में आइकन हमारा पीट्रॉन फिट प्लस। और होम इसका कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये चार ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे होम, स्पोर्ट्स, सेटिंग और मी। तो मी में हम जाएंगे, मी में हमें रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा ऊपर स्कीप का या रजिस्टर का। तो जैसे हम रजिस्टर करेंगे उसके बाद हमें ईमेल आईडी डालनी होगी और अपना पासवर्ड जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो डाल के उसे हम लॉगिन कर सकते हैं अपनी आईडी के लिए। तो गाइस कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी डिस्टेंस, कैलोरीज और गोल, जो भी हमारे डेली प्रोसेस होगी यहाँ दिखाई देगी। स्पोर्ट्स मोड में हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा, वॉकिंग के लिए ये, रन के लिए ये और राइडिंग के लिए ये। सेटिंग में हमें फाइंड, रिमोट शटर, मैसेज पुश, रीसेट डिवाइस, रिमूव, अदर, OTA अपग्रेड और बैकग्राउंड सेटिंग, ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। डेली स्टेप्स हमारे यहाँ शो होंगे और जितने किलोमीटर हम चले गए यहाँ दिखाई देंगे और उसके बाद हमारे जो डेली के हमारे स्टेप होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे। पैन के भी लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। गाइस कुछ इस तरह से हमें इसमें ऑप्शन मिलेंगे स्टेप्स का, हार्ट रेट का, डायलर का और कॉन्टैक्ट्स का। गाइस की 1.7 इंच की डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे सबसे बड़ी बात इसमें एक कमी लगी जो है इसका ऑटो ब्राइटनेस। इसमें हम मतलब जो भी इसमें डला हुआ आएगा पहले से वो रहेगा, ब्राइटनेस को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। लो लाइट में हमें कुछ इस तरह से इसकी ब्राइटनेस मोड दिखाई देता है, डे लाइट में और काफ़ी प्यारा दिखाई देता है। अब चलते हैं हम अपने IP68 वाटरप्रूफ टेस्टिंग की ओर। जैसा कि हमने आपको वाटरप्रूफ टेस्ट दिखाया, अब इसे देखते हैं कि ऑन होती है या नहीं। तो गाइस बिल्कुल सही चल रही है ये पहले जैसी।
बजट के हिसाब से गाइस मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छी है, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। गाइस सब कुछ मुझे इसका अच्छा लगा, डिस्प्ले, स्ट्रैप क्वालिटी और सब कुछ इसका बढ़िया है। बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगी जो है इसकी ऑटो ब्राइटनेस मोड जो कंपनी देती है अपने आप ही, ना इसे हम चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे उस टाइम।